दोस्तों आज बात करेंगे फतेहगढ़ साहिब के आम खास बाग के बारे में और दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन जो आज तक बिकी हुई है उसके बारे में और जहाज महल जो कि दीवान टोडरमल का महल है। दोस्तों आम खास बाग दो भागों में बंटा हुआ था, एक आम और दूसरा खास। अभी हम खास भाग है जो जहाँ पे खास भाग में मतलब रॉयल्टी जो राजा महाराजा थे वो यहाँ पे रहते थे, वो यहाँ घूमते थे इस बाग में। जो यह सारा बनवाया था अकबर के द्वारा बनवाया गया था 17वीं शताब्दी में और जिसका जो प्लान किया था इसका उसका नाम था हाफिज़ रखाना, जिसने इस पूरे बाग को प्लान किया था रॉयल में और आम में, जिसको बोलते आम खास बाग। ये मेनली जो था अंडरग्राउंड था सारा कंस्ट्रक्टेड किया हुआ, जहाँ पे ये आप देख रहे हो सुरंग जो जा रही है, ये कुआं है, यहाँ पे कुएं के चारों ओर सुरंग है और इस कुएं को इतना अच्छे से डिजाइन किया है कभी भी कोई आपातकालीन सिचुएशन आए तो जो यहाँ पे खास मेहमान होते थे, राजा महाराजा होते थे, तो वो अंडरग्राउंड होके कहीं निकल सकते थे। ये आम खास बाग सुरंग के लिए थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें बहुत ही सेफ्टी अच्छी थी। और ये आप देख रहे हो यहाँ पे सुरंग है, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि इसकी हालात अभी अच्छी नहीं है और आगे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तो मैं बता दूँ आपको, ये जब जो मुग़ल सल्तनत के बादशाह थे वो लाहौर से जब दिल्ली तख्त पे जाते थे तो यहाँ पे बीच में सरहंद, जहाँ पे सरहंद में वो स्टे करते थे, तो उन्होंने बीच में एक स्टे के लिए ये खास तैयार करवाया गया था, खास डिज़ाइन करवाया था। तो इसलिए इन्होंने एक आम खास बाग बनवाया सरहंद में, क्योंकि ये बीच में दिल्ली और लाहौर के बीच में पड़ता था, इसलिए उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, बीच में अच्छे से रेस्ट कर सके और पूरी वहाँ से सुरक्षा मिल सके उनको। तो इसीलिए उन्होंने आम खास बाग का यहाँ पे बनवाया गया था और आज भी इसको आप देख सकते हो पूरा ये कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। अभी इसकी हालात ठीक नहीं है, बट जो आम साइड है इस बाग में उसका रिकन्स्ट्रक्ट चल रहा है। तो इस बार जो शहीदी जोड़ दिवस आएगा तब तक इसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों आप इस पे ज़रूर विजिट करना अगर आप इस बार दिसंबर के महीने में आ रहे हो। तो अभी आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन पूरा मतलब ओल्ड स्टाइल में, मुग़ल स्टाइल में किया हुआ है, क्योंकि ये मुग़ल के बादशाह अकबर ने ही यहाँ पे बनवाया था। और ये भी मतलब जो भी कोई भी मुग़ल बिल्डिंग है वो आपको सेम जैसे ताजमहल का जो होता है सिनेरियो उसी के आधार पे ही बनाई जाती है। आप चेक कर सकते हो ताजमहल का, वो थोड़ा बड़ा है और वाइट संगमरमर के द्वारा बनाया गया है और ये थोड़े छोटे लेवल में है। तो उनके जो दरवाज़ों का शेप रखने का जो तरीका है वो, और जो भी दीवारों का नीचे स्ट्रक्चर होता है वो मतलब जो है मिडल एशियन आर्किटेक्चर और ईरानी आर्किटेक्चर होते थे उनके द्वारा ही ये लिया जाता था। तो इसकी दीवारें देख के आप मजबूती लगा सकते हो कितनी, ये 17वीं शताब्दी में बना था और आज भी ये कुछ ठीक हालात में खड़ा है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको तैयार करवा सकती है, ना कि नई बिल्डिंगें स्काई स्केपर बनाने से अच्छा है इन जो चीज़ों को संभाल के रखा जाए ताकि आने वाली जनरेशन को हिस्ट्री के बारे में कुछ पता लग सके। अभी ये आप देख सकते हो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं पर लोकल ही आते हैं, ज़्यादा कोई बाहर से कोई इतना नहीं है, क्योंकि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो शहीदी जोड़ दिवस पे ही आते हैं। आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हो भी कितनी इसकी मजबूती उस टाइम में बनवाई गई थी। जो भी आर्किटेक्चर जिसने भी इसको डिज़ाइन किया था उसने तो किया ही था, पर बनाने की कला आप देख सकते हो कितना मजबूती के साथ बनाया गया था, तो भी आज ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। बट आई थिंक अगर ये और थोड़ा सा इस पर लगाया जाए, अभी ध्यान दिया जाए, तो इसको सुधारा जा सकता है, क्योंकि ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स दोबारा नहीं बनाई जा सकती, नई नहीं बनाई जा सकती, जो पुरानी हैं उनको मेंटेन ज़रूर किया जा सकता है। और ये बिल्डिंग दोस्तों एकदम जो आम बाग है उसके सामने है और इन बिल्डिंग्स के अंदर जो पानी की अंदर पाइप लगाई गई थी, बड़े बड़े उन्होंने नालियाँ बना रखी थी ताकि जो इस जो आम खास बाग के फुहारे हैं वो इसके थ्रू चलाई जा सकते हैं। आप देख सकते हो जो इसके अंडरग्राउंड अभी कुछ इनका जो फ्लोर है वो टूटा हुआ है, इनके नीचे अंडरग्राउंड खाई टाइप में बना हुआ है जिसके अंदर आई थिंक पानी का इधर उधर से किया जाता था, मतलब कि जो फुहारे लगते थे इस बाग में, फुहारे उस टाइम फुहारे भी इस बाग में चलते थे, वो सारा पानी इसी के थ्रू आता जाता था। तो ये आप सोच सकते हो जितना भी दिमाग लगाया हाई लेवल का लगाया, जैसे ये फुहारे हैं
ये इसी बाग की है। और दोस्तों मैं बता दूँ जो ये चीज़ है ये मेन एंट्रेंस थी जिसके अंडरग्राउंड खाई के अंदर जा सकते थे। ये आ गया आम साइड का जो है, और ये यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाया था, इसके अंदर फाउंटेन लगा हुआ था उसी टाइम का ही, और जो ये पूरा डिज़ाइन किया है पुराने टाइम का ही है, पर अब आप देख सकते हो इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, मतलब आने कुछ समय बाद इसका जो हुलिया अच्छा खासा हो जाएगा। और इसमें कुछ फिल्में भी शूट हो रखी हैं, और यहाँ पे पिछले कुछ टाइम पहले यहाँ पे सिंगरों का वो भी मेला भी लगवाया गया था, जिसके साथ कुछ जो यहाँ अर्निंग हुई थी उसके थ्रू यहाँ पे कुछ मतलब रिकंस्ट्रक्टेड में अच्छा हेल्प मिला है। तो दोस्तों अगर आप फतेहगढ़ साहिब जब भी आओ तो यहाँ पे ज़रूर एक बार विज़िट करना, आपको अच्छा फील होगा। अभी इस टाइम यहाँ पे शाम को रोज़ जो लोकल है वो वॉक करने के लिए आते हैं, और कुछ टूरिस्ट भी आते हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे टूरिस्ट भी आ रहे हैं। ये मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे जो बीच में ये चौक है, इस पे सतिंदर सिंह सरताज ने जो गाना, उन्होंने अपना गाना था वो यहीं से बैठ के गाया था, और बहुत ही मतलब कहने का ये मोटिव मेरा ये है भी जो ये चीज़ आपको नए ज़माने में नहीं मिलेगी जो पुराने ज़माने में हो रखी है। तो ये इस जो आम खास बाग का दूसरा भाग है, इसी के पीछे एक भाग और है। यहाँ पे ये फाउंटेन का पूरा लगा रखा था, ये आप देख सकते हो उसी टाइम का है। इसके अंदर यहाँ से कोई वाटर का सप्लाई था, और ये बीच में चौक था, यहाँ पे जो सभा बुलाई जाती थी या आम लोगों के साथ बैठ के की बात की जाती, तो ये यहीं से होता था। तो मतलब पूरा ब्यूटीफुल, बहुत ही बड़े एरिया में है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज तक की दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन पंजाब के श्री फतेहगढ़ साहिब में ही बिकी हुई है, जो दीवान टोडरमल ने 78,000 सोने की मुद्राएं खड़ी करके 4 गज की ज़मीन जो है खरीदी थी, वो छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के लिए, उनका पार्थिव शरीर जिनको जो वजीर खान था उस टाइम का मुगल शासक था, उन्होंने उनको धर्म परिवर्तन चेंज करने के लिए बोला, पर छोटे साहिबजादे ने उनको मना कर दिया। तब उन्होंने उनको दीवारों में चिनवा दिया, और उनके पार्थिव देह को अंतिम संस्कार करने के लिए जगह भी नहीं दी। तब दीवान टोडरमल ने ये इतनी महंगी ज़मीन खरीदी थी, और आज वहाँ पे फतेहगढ़ साहिब का जो गुरुद्वारा है उसी स्थल पे मौजूद है। और वहाँ पे हर साल के दिसंबर महीने में शहीद जोड़ दिवस मेला भी लगता है, जहाँ पे लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों बात करते हैं जहाज़ महल, जहाज़ हवेली के बारे में, जो दीवान टोडरमल की थी, जो एक पर्सनल हवेली थी, और ये भी 17वीं शताब्दी में मुग़ल आर्किटेक्चरों के द्वारा बनवाई गई थी, क्योंकि दीवान टोडरमल उस टाइम बहुत ही अमीर थे, और उनकी सालाना जो इनकम होती थी वो नियर अबाउट 5 लाख रुपए होती थी उस टाइम के, और उनके पास अपने 4,000 घुड़सवारी होते थे और कुछ पैदल टुकड़ियों भी होती थी। और उनकी जो हवेली का जो शेप था, जो आकार था, वो पानी के जहाज़ की तरह था, इसीलिए उसको जहाज़ हवेली के नाम से ज़्यादा जाना जाता था, ना कि ज़्यादा दीवान टोडरमल की हवेली की। आज उस हवेली की हालात तो ठीक नहीं है, पर कुछ खंडर टाइप में वहाँ पे पड़ा हुआ है, पर उसकी कोई भी गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है उसके लिए कुछ, और ना ही कोई और आगे हाथ बढ़ा रहा है। पर हमें लगता है भी ऐसी चीज़ को, ये जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उनको संभाल के रखना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में हमें इसके बारे में अवेयरनेस रहे। नहीं तो आने वाले 50-100 साल के बाद में यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, और इतिहास धीरे धीरे पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं राजपुरा से दिल्ली, दिल्ली से आगे जाएंगे मथुरा, मथुरा की होली आपको दिखाएंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों पहुंच गए हम दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, ये है ओल्ड दिल्ली, और जो बिल्डिंग देख रहे हो आप बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इसीलिए इसका नाम ओल्ड दिल्ली जंक्शन है, और इंडियन फ्लैग भी आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है दोस्तों।